कोरोना वैक्सीन के रखरखाव के इंतजाम देखने के लिए बुधवार को कमिश्नर जयंत नार्लिकर सीएमओ कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोरोना वैक्सीन के बने भवन को देखा। गुणवत्तापूर्ण काम करने के सख्त निर्देश दिए। इंजीनियर से भवन निर्माण की तिथि पूछी। इस पर इंजीनियर की ओर से बताया गया कि मौसम खराब होने की वजह से थोड़ी देर हुई है, 10 से 15 जनवरी के बीच भवन बनकर स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा। इस बीच उन्होंने वैक्सीन भवन के आसपास गंदगी देखी, जिस पर नाराजगी जताई। कहा कि वैक्सीन कक्ष के आसपास गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए। उन्होंने भवन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए, अगर इसमें कोई लापरवाही होती है तो कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सीएमओ ने उन्हें बताया कि वैक्सीन रखने के लिए फ्रिज मिल चुके हैं, सीरिंज भी लगभग आ चुके हैं, लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है, कोविड पोर्टल पर स्वास्थ्य कर्मियों की सूची भी अपलोड कर दी गई है। इस संबंध में कमिश्नर जयंत नार्लिकर ने बताया कि जिले में वैक्सीन रखने के इंतजाम लगभग पूरे कर लिए गए हैं। वैक्सीन रखने के पर्याप्त सुविधा बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एडी हेल्थ कार्यालय और सीएमओ कार्यालय पर कोल्ड चेन पॉइंट पर बनाए गए हैं, जहां पर वैक्सीन को रखा जाएगा। इस बीच उन्होंने वैक्सीन के सुरक्षा सवाल पर कहा कि हर कोल्ड चेन पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, इसकी निगरानी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार करेगी। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की भी मदद ली जाएगी। कमिश्नर जयंत नार्लिकर ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी वैक्सीन रखने के इंतजाम जल्द से जल्द किए जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है, इससे स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगवाने में परेशानी नहीं होगी। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नीरज पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कमिश्नर जयंत नार्लिकर ने कहा, ये तो आपका बाहर भी थोड़ा लाइट वेट की व्यवस्था करा दीजिएगा, जिससे बोर्ड भी रहेगा। जनता तो आनी है आपको, तो ये तो बड़ा।
आपको पता है कि सरकार के निर्देश के क्रम में हमें कोविड वैक्सीनेशन की सारी तैयारियां अति शीघ्र पूर्ण कर लेनी है। ये जनपदीय स्तरीय जो हमारा कोविड वैक्सीन को रखने का जो कोल्ड चेन सेंटर बन रहा है उसी का थोड़ा हम लोग देखना चाहते थे कि इसमें थोड़ा सा विलंब क्यों हो रहा है। थोड़ा मौसम की वजह से सूखने में तकलीफ़ हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 10-12 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और गुणवत्ता पर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य यहाँ से किया जाना है। लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मेडिकल कॉलेज में हमारे एडी हेल्थ साहब के ऑफिस के साथ ही हमारा मंडलीय वैक्सीनेशन स्टोर हाउस है जिसमें हम वैक्सीनेशन रख सकते हैं और उसकी क्षमता पर्याप्त है। तो तब तक हम वहाँ से काम चला लेंगे और मुझे लगता है 15 जनवरी तक 20 जनवरी तक इसको भी पूर्ण कर लेंगे। सुरक्षा देखिए, CCTV हम लोग हर जगह यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर CCTV के साथ साथ हमने पुलिस से भी रिक्वेस्ट किया है, पुलिस बल भी मौजूद रहेगा और जो भी ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें सरकार के जो निर्देश हैं सुरक्षा के उसके साथ हम लोग देंगे। ज़िले में देखिए अभी फेज़ वन में जो स्टेशन साइट्स हैं वो हमारी कम हैं, तो अभी हम जनपदीय स्तरीय यहाँ पर है और हमारा मंडलीय स्तर वहाँ पर है। इसके अलावा PSC CSC पर भी हम व्यवस्था कर रहे हैं और एज एंड वेन जब हमारी सेशन साइज बढ़ेगी तो हम उसको डिसेंट्रलाइज आउट करेंगे।